जीबी की रैम और 256 जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वीवो के T2 5G को 20,999 रुपए की प्राइस में 8 जीबी की रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं, जो कि मोटो G84 5G के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कम प्राइस होने के बावजूद भी आप लोगों को 12 जीबी रैम वाला वेरियंट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस और रैम और स्टोरेज में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि एक तरफ मोटो G84 5G और दूसरी तरफ वीवो का T2 5G, इन दोनों स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफी ज्यादा बेस्ट है, पर ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को मोटो G84 5G में देखने को मिल जाते हैं। 6.55 इंच की फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले POLED होने की वजह से डिस्प्ले जो बेजल वो काफी कम देखने को मिल जाते हैं वीवो के T2 5G के डिस्प्ले के मुकाबले में, और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो T2 5G में 6.38 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उस मामले में दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में 1300 निट्स की ही ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो वीवो के T2 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G84 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.88 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और दोनों स्मार्टफोन के कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए, वैसे तो मेगापिक्सल में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, फिर भी सेल्फी के मामले में क्लियर विनर निकल के आता है वीवो का T2 5G। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि वीवो के T2 5G कम अपर्चर वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G84 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, पर उसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर की बात करी जाए तो मोटो G84 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि वीवो के T2 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ऑडियो फीचर की अगर बात करी जाए तो मोटो G84 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, जबकि वीवो के T2 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता। बैटरी सेगमेंट का अगर बात करी जाए तो मोटो G84 5G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 33W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T2 5G में 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 44W के फ्लैश चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में सिर्फ 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर ज्यादा रैम आप लोगों को मोटो G84 5G में देखने को मिल जाती है। गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, पर मोटो G84 5G के डिस्प्ले में ज्यादा एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। कैमरा वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा बेटर हो जाता है वीवो का T2 5G। वही दूसरी तरफ मोटो G84 5G में ज्यादा बैटरी बैकअप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूज थे और कम से कम प्राइस में एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मोटो G84 5G को ही बाय करें, क्योंकि मोटो G84 में काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं, जो कि वीवो के T2 5G में देखने को नहीं मिलते हैं।